स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगति क्लासेस में, जहां पर आपको मिलती हैं सीबीएसई से जुड़े सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स प्लस स्टडी मटेरियल, जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस को लेकर स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि किस में से कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है और कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो इसको लेकर जो आपके अंदर कन्फ्यूज़न है वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल, सबसे बड़ी बात बताऊँ, 2021 बोर्ड में टोटल 10 चैप्टर जो है वो सीबीएसई से रिमूव किए गए हैं। मतलब ये 10 चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप चैप्टर, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ पढ़ते चले जाओ और बोर्ड एग्ज़ाम में आए ही ना। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के अंदर आपको 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बट अगर हम बात करें चैप्टर 3, दैट इज़ मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से, वैसे तो ये दोनों चैप्टर आपका क्या है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल होते हुए भी ये चैप्टर क्या है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहे। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इंटरनली के लिए कंसिडर किया जाएगा, मतलब टीचर चाहें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से टेस्ट ले सकते हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर जो 5 है आपका कम्प्लीटली डिलीट है, कहीं भी कुछ करना नहीं है। इवन आपके जो सारे चैप्टर हैं वो कम्प्लीटली ही डिलीटेड है, सिर्फ इसमें ऐसा है कि हाँ, इसको लेकर जो है टीचर इंटरनली वो चाहें तो इन दोनों में से किसी एक को लेकर टेस्ट वो ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, वो भी वो टीचर के मन पर डिपेंड करता है। तो ले देके आपको हिस्ट्री के लिए चैप्टर, जो 3 चैप्टर है आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। और उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दें कि थोड़ी देर बाद हम बात करें, 4-5 घंटे में आपके पास एक नई वीडियो आ जाएगी कि कौन से चैप्टर में से आपका कौन कौन, मतलब जो चैप्टर आपके सिलेबस में आने हैं, तो सिलेबस ओरिएंटेड आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो है कुछ देर में आने वाली है, तो इसलिए आप उसे भी ज़रूर देख लेना। यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी के अंदर आपके जो है 3 चैप्टर नहीं आने वाले, मतलब टोटल 3 चैप्टर जो है ज्योग्राफी से भी हटा दिए गए हैं। पहला है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्टूडेंट की जो बुक्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर के साथ जो है पूरा चैप्टर का नाम भी मेंशन कर दिया, ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहो। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज है, इसमें से आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैप वर्क जो है वाटर रिसोर्सेज में से ही आएगा। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बाकी थ्योरी पार्ट कुछ नहीं आएगा, मतलब वाटर रिसोर्स और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर थ्योरी वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं पूछेंगे, लेकिन इन दोनों में से मैप का जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर। तो टोटल जो है आपके 4 चैप्टर जो है रिमूव कर दिए गए हैं, आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8। कुछ भी लोचा नहीं है कि हाँ पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इंटरनली के लिए पढ़ना है या कुछ, एकदम कम्प्लीटली ये चारों चैप्टर डिलीट है आपका। पॉलिटिकल साइंस में आई थिंक टोटल 8 ही चैप्टर है, उसमें से 4 चैप्टर इन्होंने कम्प्लीटली हटा दिया, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, हालांकि ये पिछले साल भी नहीं था, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये आपके वो चैप्टर हैं जिसपे आपको निशान लगा लेने कि आपको नहीं पढ़ने। बाकी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के सोशल साइंस में, बाकी साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो चैनल पे एक बार चेक करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो है उन टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और साथ ही घंटी दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।